हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। वेलकम टू माय चैनल होम मेकर प्रो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो एक बेबी शॉपिंग हॉल वीडियो है। इस वीडियो में मैंने जो भी कपड़े आपको दिखाए हैं, ये सभी मैंने फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन परचेज किए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें ली हैं फर्स्ट क्राई से अपने बेबी के लिए। फर्स्ट क्राई से जो भी कपड़े आते हैं वो इस तरह के पैक में आते हैं। ये जो पहला प्रोडक्ट है, ये है बेबी ओए का रोम्पर सेट। ये 3 के सेट में आता है। ये बहुत सारे साइज और कलर्स में भी अवेलेबल है। मैंने ये सभी कपड़े सेल में लिए हैं, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिले हैं, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर इसकी MRP और सेल प्राइस भी डाल दूंगी। फर्स्ट क्राई पे सेल लगती रहती है, आप भी चेक कर सकते हैं। आपको सेल में कपड़े काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं और फर्स्ट क्राई के जो ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये 3 मुझे इस सेट में मिले हैं। ये है पहला वाइट कलर का, जिसमें कि कलरफुल स्टार्स बने हुए हैं, और ये जो दूसरा है ये है लाइट ब्लू कलर का, इसमें वाइट स्ट्रिप्स हैं, और तीसरा ये है सुपर स्टार, जिसमें लिखा है इसमें ग्लिटर से सुपर स्टार प्रिंट है। ये तीनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और समर सीजन के लिए परफेक्ट हैं। इसमें नीचे की तरफ इस तरह से ये बटन लगे हुए हैं डायपर चेंज करने के लिए। इसको आप नीचे से ही ओपन कर सकते हैं और डायपर चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली गर्मी सीजन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर हम अपने बेबी को एसी कूलर में नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरह के कपड़े पहनाकर हम उसे रख सकते हैं। इस तरह के रोम्पर्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस सीज़न के लिए काफ़ी परफेक्ट रहते हैं, और देखने में भी ये काफ़ी क्यूट लगते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है बेबी हग का टी शर्ट एंड डंगरी सेट। ये मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिला था। डंगरी सेट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें अच्छे से हवा वगैरह भी पास होती है, और ये छोटे बच्चों पर काफ़ी क्यूट भी लगते हैं। ये मैंने 2 एक जैसे ही लिए हैं। एक ये येलो और ब्लू कलर का है, और जो दूसरा मैंने लिया है वो ग्रे और रेड कलर का है। ये दोनों मैंने एक ही जैसे लिए हैं, बस इसके कलर डिफरेंट है। एक मुझे गिफ्ट में देना है और एक मैं अपने बेबी के लिए रखूंगी। कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और सॉफ्ट भी है। जो टी शर्ट है वो फुल स्लीव्स की है। ये नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट है और इसमें वाइट कलर से स्ट्रिप्स पड़ी हैं। ये इसकी डंगरी है और इसमें जो प्रिंट है वो ब्लू कलर से है। इसमें इस तरह के बटन लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ 2 बटन लगे हुए हैं, जिससे कि आप जो अपने बेबी के साइज के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें 3 पॉकेट्स भी दी गई हैं, और ये कमर के पास भी यहाँ पर बटन लगा हुआ है। इसको आप नीचे से नहीं खोल सकते हैं, अगर आपको पहनाना होगा तो आप इसको यहाँ ऊपर से ही खोलना पड़ेगा आपको। इसके जो टी शर्ट है उसके शोल्डर पर भी बटन लगे हुए हैं, जिससे कि बेबी को पहनाना टी शर्ट काफ़ी इजी हो जाता है। बेबी का सर उसमें फंसता नहीं है और बेबी को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है। तो चलिए मैं दूसरा सेट भी आपको दिखा देती हूँ। ये है रेड और ग्रे कलर का डंगरी सेट। ये भी बिल्कुल सेम है, बस कलर डिफरेंट है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कौन सा कलर अपने बेबी के लिए रखूं। ये जो तीसरा प्रोडक्ट है, ये है बेबी हग का कुर्ता पजामा सेट। ये भी प्योर कॉटन का कुर्ता पजामा सेट है।
इसके कुर्ते का कलर है कैरेट पिंक। ये प्योर कॉटन का कुर्ता है जो कि समर सीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। समर सीजन में अगर आपके घर में शादी ब्याह सफर, जो कि ये प्योर कॉटन का कुर्ता पजामा सेट है, जब समर सीजन में कोई फंक्शन या फिर कोई फेस्टिवल पड़ेगा और मैं अपने बेबी को एक ट्रेडिशनल लुक देना चाहूँगी, तब मैं इस कुर्ता पजामा सेट को अपने बेबी को पहनाऊँगी। इसके पजामा की जो वेस्ट है उसमें इलास्टिक लगी हुई है और ये जो कुर्ता है इसकी जो कॉलर और आगे की तरफ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की गई है वाइट और ब्लू कलर के धागों से, और इसमें आगे की तरफ ओपन भी आप कर सकते हैं। इसमें दो बटन लगे हुए हैं, ये बटन वुडन के हैं। ये पूरा जो सेट है वो काफ़ी अच्छा लुक देगा एक सोवर सिंपल लुक के लिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी बेबी हक का है। इसमें मैंने ये शर्ट ली है फुल स्लीव्स की, ये भी कॉटन की शर्ट है, और इसके साथ मैंने ये मैचिंग की ब्लैक कलर की ये पैंट ली है, ये भी बेबी हक की पैंट है। शर्ट की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, एकदम जैसे बड़ों की मेंस की शर्ट होती है एकदम वैसा ही लुक दिया गया है इस बेबी शर्ट को भी। आप चाहें तो जो स्लीव्स है उसको फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि स्लीव्स पर भी बटन दिया गया है, आप चाहें तो फोल्ड करके भी अपने बेबी को पहना सकते हैं या फिर फुल स्लीव्स में भी पहना सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और डंगरी सेट लिया है, ये है टॉफी हाउस का डंगरी सेट। इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस डंगरी का कलर लाइट ब्लू कलर का है, एक जीन्स का लुक दे रही है ये डंगरी। आप इस डंगरी के साथ में अलग से भी कई टी शर्ट पेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका कलर एक जीन्स लुक दे रहा है, तो जैसे आप जीन्स के साथ में कई टी शर्ट को पेयर कर सकते हैं वैसे इस डंगरी के साथ में भी आप यही टी शर्ट नहीं बल्कि कई टी शर्ट को आप पेयर कर सकते हैं। इसमें भी ऊपर की तरफ ये बटन दिए गए हैं और कमर के पास भी इसमें बटन दिए गए हैं, और इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा मैंने दो सेट्स लिए हैं, ये भी बेबी हक ब्रांड के हैं। इसमें मुझे हाफ स्लीव्स की टी शर्ट और शॉर्ट्स मिले हैं। इसमें भी टी शर्ट के शोल्डर्स पे बटन लगे हुए हैं जिससे कि बेबी को टी शर्ट पहनाना काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है ये है नाइट सूट या स्लीपिंग सूट, ये भी बेबी हक ब्रांड का मैंने लिया है। ये जो स्लीपिंग सूट या फिर नाइट सूट है ये प्लेन, इसकी जो टी शर्ट है वो प्लेन है और इसमें आगे की तरफ बटन दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। और जो इसका पजामा है इसमें डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स हैं और इसकी जो वेस्ट है उसमें इलास्टिक लगी हुई है। तो ये सारे कपड़े मैंने अपने बेबी के लिए स्प्रिंग समर सीजन के लिए लिए हैं। अगर आगे भी आप इस तरह का हॉल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप भी ये कपड़े खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी कपड़ों की लिंक मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।